हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर सेम मैथमेटिक्स। पेपर का नाम है स्पेशल फंक्शंस एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, चैप्टर 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को, जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का हम यूज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जब तक आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का नहीं पता होगा, तब तक आप 5.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या कहती है, मीन्स इसकी स्टेटमेंट क्या है, पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर हम इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे स्टेटमेंट, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या कहती है, हमें ये कहती है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफटी, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफटी इज इक्वल टू एफएस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ई रेज टू पावर एटी एफटी will be equal to f of s minus a। तो अगर किसी फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस है, तो अगर हम उस फंक्शन एफ टी को e रेस टू पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमें नया फंक्शन मिलेगा उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ एस माइनस ए। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, आइए वो देखते हैं। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। ये तो हो गई डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसके प्रूफ को हम कैसे शुरुआत करेंगे, इसके प्रूफ की शुरुआत हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म से। वी नो दैट बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म वी हैव लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि किसी भी फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम एक डेफिनेट इंटीग्रल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शन ऑफ एस से। तो ये होती है डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमें फाइंड आउट करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें इसके बराबर लेके आना है। तो हम इस फंक्शन एफ टी की जगह नया फंक्शन ई रेज टू पावर ए टी एफ टी पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे विच इम्प्लाइज एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी, ऐसे रहेगा। इस फंक्शन एफ टी की जगह हम ई रेज टू पावर ए टी एफ टी पुट करेंगे, ई रेज टू पावर ए टी एफ टी और साथ में है डी टी। आइए आगे बढ़ते हैं, ये साइड तो ऐसी ही रहेगी, एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कर सकते हैं, e बेस सेम है इनका, इनकी पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e रेस टू पावर माइनस एस टी प्लस ए टी एफ टी डी टी। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में से t कॉमन ले लेंगे, इवन माइनस t कॉमन ले लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा l ऑफ e रेस टू पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू पावर, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस टी, तो अंदर है जाएगा एस माइनस ए टी एफ टी डी टी। तो अगर हम एस माइनस ए को आर पुट कर दें राइट हैंड साइड में, तो आपको क्या मिलेगा, ये वो देखते हैं, लेट एस माइनस ए इक्वल टू आर, तो आपका जो राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी एल ऑफ ई रेज टू पावर ए टी एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस आर टी एफ टी डी टी। और बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी को हम लिखते हैं एफ एस। यहाँ पे एस लिखा हुआ है तो यहाँ पर एस आ रहा है, यहाँ पर आर लिखा हुआ है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एफ ऑफ आर को। बट आर हमने क्या पुट किया था, आर हमने किसको पुट किया था, एस माइनस ए को पुट किया था। तो इस आर को आप रिप्लेस कर सकते हैं एस माइनस ए से। तो हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया e रेस टू पावर ए टी एफ टी
इज इक्वल टू एफ ऑफ एस माइनस ए। तो यही है हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करें एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, तो एलिमेंट्री फंक्शंस के लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से न्यू फॉर्म में चेंज हो जाएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की स्टेटमेंट देखी और उसको प्रूव भी किया था। तो स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी, वो हमें ये कह रही थी कि फंक्शन एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर एफ एस है तो ई रेस्ट टू पावर ए टी एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा एफ एस माइनस ए। मीन्स अगर हम फंक्शन एफ टी को ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ई की पावर में होगा ए वो कॉन्स्टेंट जो है वो एस में से माइनस हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट मिलेगा एफ एस माइनस ए। तो अगर हम इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एलिमेंट्री फंक्शंस पर अप्लाई करें तो उनमें क्या चेंज आएगा, आइए वो देखते हैं। पहला एलिमेंट्री फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एल ऑफ वन, होता है हमारे पास वन अपॉन एस। तो अगर हम इस 1 को e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो s में से a जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये नया फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा यहाँ पर l ऑफ e की पावर 80 इंटू 1, ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन s माइनस a। तो अगर हम फंक्शन 1 को e की पावर 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है 1 अपॉन s, उसके s में से a माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इस फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं e रेस्ट टू पावर 80 इंटू 1 हो जाएगा हमारे पास e रेस्ट टू पावर 80 इज इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। तो ये भी एक फॉर्मूला बन गया जो आपको ध्यान रखना है। सेकंड जो हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है एल ऑफ टी की पावर एन, होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल बाय एस एन प्लस 1। तो अगर हम टी की पावर एन पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, मीन्स अगर हम इसको ई रेस्ट टू पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ आप s माइनस ए कर देंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे n फैक्टोरियल बाय s माइनस ए n प्लस 1। तो ये फंक्शन जो है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। थर्ड जो एलिमेंट्री फंक्शन था हमारे पास वो था साइन बी टी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारे पास b अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस फंक्शन पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करें, मीन्स e रेस्ट टू पावर 80 से मल्टीप्लाई करें साइन बी टी को, तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है उसमें क्या चेंज आएगा, उसमें आएगा b कॉन्स्टेंट है, जहाँ s है वहाँ पर आ जाएगा s माइनस a स्क्वायर, और साथ में प्लस बी स्क्वायर है वो एज इट इज रहेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया, लाप्लास ऑफ ई रेस्ट पावर 80 साइन बी टी जो है वो इसके बराबर होता है। इसी तरह से एल ऑफ कॉस बी टी हमारे पास होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे हम ई रेस्ट पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा, एस बन जाएगा एस माइनस ए, और नीचे वाला एस भी बन जाएगा एस माइनस ए, ऊपर स्क्वायर है और साथ में है प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद है फिफ्थ जो कि है हमारे पास एल ऑफ साइन हाइपरबॉलिक बी टी, वो होता है हमारे पास बी अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इसे ई रेस्ट टू पावर 80 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या चेंज आएगा, वो बन जाएगा बी ऐसे ही रहेगा, और नीचे है आपके पास एस, तो एस बन जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, और साथ में है माइनस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। और लास्ट में है आपके पास एल ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक बी टी, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक बी टी होता है हमारे पास एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर हम इस कॉस हाइपरबॉलिक बी टी को ई रेस्ट टू पावर 80 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसका अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन जाएगा एस की जगह आ जाएगा एस माइनस ए, और नीचे एस की जगह आ जाएगा एस माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये 6 फॉर्मूलाज जो हैं वो टेस्ट पे होने चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स सॉल्व करना शुरू करेंगे, जिसमें हम ये 6 फॉर्मूला जो हैं, 6 बेसिक फॉर्मूला जो हैं वो यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे एक्सरसाइज 5.2 की प्रॉब्लम्स के साथ। टिल देन टेक केयर।